घर से ही गायब हुई है और प्रज्ञा ने हमारे घर पे तुम्हें देखा था। अगर मुझे पता चला कि उसके गायब होने में तुम्हारा हाथ था तो आई स्वेयर तनु, आई एम गोना ब्लडी किल यू। कम ऑन, पिक अप द फोन निखिल, पिक अप द फोन। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट एबल टू रिसीव योर कॉल, सो आफ्टर द बीप प्लीज लीव अ वॉइस नोट। वॉइस नोट? निखिल, निखिल मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी के अभी क्यारा को छोड़ दो, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। और एक बात और, तुम्हारी इस किडनैपिंग में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यारा को अभी के अभी छोड़ दो। Do you understand? क्यारा को किडनैप नहीं करना चाहिए था। It's a huge mistake. हेलो, व्हाट? कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। घर के बाहर मीडिया जमा है और प्लीज कोई जल्दी से टीवी ऑन करो। टीवी में क्या है? जल्दी से टीवी ऑन करें। टीवी ऑन करो। टीवी में क्या आ रहा है? माइक चेक। अभी यहाँ क्या कर रहा है? आराम से पानी दो। आज के विशेष प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। अच्छा है, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं दिशा, मैं बंद कर दी, मुझे टीवी नहीं देखना, मुझे शांति चाहिए। हाय। मैं हूँ अभिषेक प्रेमर। चीजू? और ये है मेरी बेटी केरा मेरा। इसे किडनैप किया गया है। I'm sure जिसने भी इसे किडनैप किया वो इस वक्त एक न्यूज देख रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 9 से 9:30 बजे वो न्यूज चैनल देखता है। लेकिन आज जो वो न्यूज सुनेगा ना, वो उसने अपनी लाइफ में नहीं सुनी होगी। ये क्या कर रहे? पहले पुलिस और अब मीडिया। एक्चुअली इस न्यूज के बाद मुझे जाकर उस किडनैपर को ये 3 करोड़ रुपए देने थे और बदले में वो मुझे मेरी बेटी का एड्रेस देता। But I've changed my mind. ये पैसे मैं किडनैपर्स को नहीं बल्कि उसे दूंगा जो मेरी बेटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे। इसलिए अगर किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता या इस किडनैपिंग से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास होना, तो ये 3 करोड़ रुपए मैं खुशी खुशी उसे दूंगा। एंड यू मिस्टर किडनैपर, ये गेम तुम्हारा है पर बेटी मेरी है, इसलिए आप मेरे रूल्स होंगे। बेटी दो और ये पैसे लो। गिव एंड टेक। रियली? लाइव चैनल पे? ऐसा पहली बार होने जा रहा है जहाँ किडनैपर की रेंसम बनी अब उसकी प्राइस मनी बन गई है। मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ये क्लियर कर दिया है कि जो पैसा वो किडनैपर को देने वाले थे अब वो उसे देंगे जो किडनैपर का पता ला कर देगा। ये क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। दीदी सुनिए सुनिए, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना उसके पीछे कोई वजह होगी जरूर। क्या क्या वजह है? पहले उन लोगों ने बोला था पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करने के लिए, पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। ऊपर से अभी टीवी पे आके कह दिया कि किडनैपर पे प्राइस बनी है, वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। दीदी प्लीज रिलैक्स, प्लीज। वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना ऐसे ही नहीं करेंगे, प्लान होगा कुछ। क्या प्लान है उनका? ये प्लान होता है कोई? काम डाउन। देखो दी, आशीष ने क्या कहा था ना, ऐसी केसेस में किडनैपर पैसे ले लेता है, बच्चे को छोड़ता भी नहीं है, शायद इसलिए
इसलिए जीजू ने कुछ सोचा होगा। ऐसे ऐसे उसको किडनैपर बच्चा दे देगा। मेरी कियारा माँ, मैं कैसे ये उनको पुलिस को ही नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था पहले। मैंने मना किया था, ये सब कर दिया उन्होंने। वो किडनैपर हम सबकी आंखों के सामने से कियारा को ले गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इतनी अच्छी बच्ची है वो, पता कितनी अच्छी बच्ची है वो। चिल्लाई चीखी, हमें से किसी ने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, मैं वहां नाच रही थी। मैं तो माँ हूं ना, मुझे उसकी आवाज सुननी थी। प्लीज, आपका कोई कसूर नहीं है। किडनैपर किसी भी सिचुएशन में शायद कियारा को ले जाता। आप ले जाता, ऐसे कैसे ले जाता? 8 साल से मुझसे दूर नहीं हुई है वो, क्या आती वो मुझसे दूर हो गई? कौन है यहाँ पे तुम? मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया। वो तनु ने किया। दिशा, वो तनु को मैंने देखा था गोद भराई में, उसे पता है कियारा कहाँ है। मैं उससे जाके पूछूंगी, उसके पास है कियारा, वो जानती है कियारा कहाँ है। मैं प्लीज दीप, तनु ने नहीं किया ये सब कुछ प्रज्ञा। जैसे तुम्हें लगता है वैसे ही मुझे भी लगा था कि ये सब कुछ तनु ने किया है, और इसीलिए मैं उसके घर पर गई। मैंने उसे डांटा, मैंने उसे धमकाया, मैंने सब कुछ ट्राई किया। इनफैक्ट मैंने उसके पूरे घर में ढूंढा, पर मुझे कहीं पर भी कियारा नहीं मिली। तो कियारा को उसने कहीं और रखा होगा, तनु ने किया ये सब। नहीं प्रज्ञा, मैंने उससे पूछा, उसने कहीं नहीं रखा है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूछा उससे, और मैंने ढूंढने की भी कोशिश की। ट्रस्ट मी प्रज्ञा, ट्रस्ट मी। आई नो तुम्हारे और मेरे बीच में ट्रस्ट जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अब हमारे बीच में कियारा आ चुकी है, और मेरे लिए कियारा उतनी इम्पोर्टेंट है जितने जितने मेरे भाई। आई लव माई भाई एंड आई लव कियारा। शीज फैमिली टू मी प्रज्ञा। इसलिए मैं किसी भी हाथ में कियारा को ढूंढना चाहती हूँ। मैंने तनु से हर तरीके से पूछा, मैंने उसके घर में हर जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिली वो प्रज्ञा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तनु ने ही ये सब कुछ किया, और अगर तुम उसके घर जाना चाहती हो तो मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। मुझे जाना है उसके घर। फाइन, आई टेक यू देयर। आपने ऐसा जरूरी था? कियारा से ज्यादा जरूरी था? कैसा कर सकते हैं आप? उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? जवाब दीजिए मुझे, आप क्या करके आए हैं वहाँ पे? मुझे जाके बोल दिया कि किडनैपर की जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे सारी फिरौती की रकम दे देंगे आप। प्रज्ञा तुम ज्यादा सोचो मत, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिचुएशन कंट्रोल में आए। सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, नहीं है सिचुएशन कंट्रोल में। आप पैसे लेकर गए थे ना, किडनैपर को पैसे देने थे आपको, और कियारा को वापस लेकर आना था घर। आप अपने जो टीवी पे अनाउंस कर दिया कि जो किडनैपर को पकड़वाएगा आप उसे पैसे दे देंगे। आप पिता है ना कियारा के, आपको उसे घर वापस लेकर आना था, ये सब नहीं करना था। आप हर बात अपनी ईगो पर क्यों ले लेते हैं? ऐसा नहीं है प्रज्ञा, बात ईगो की नहीं है। बात ईगो की है, आपका काम था कियारा को घर वापस लेकर आना, किडनैपर को हराना नहीं। पैसे मांगे ना, इतना पैसा है, थोड़ा पैसा खर्च नहीं कर सकते बेटी के लिए? मैं अपनी बेटी के लिए जान दे सकता हूँ, तुम्हें लगता है मुझे पैसों की पड़ी है? मैं उस किडनैपर को 50 करोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे क्या हमें कियारा वापस मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? किडनैपर को पैसे ही तो चाहिए था। किडनैपर को बदला चाहिए, पैसा लेकर भी वो हमारी बेटी को वापस नहीं करेगा। इनफैक्ट पैसा मिलते ही वो हमारी बेटी को मार डालेगा। संभालो अपने आपको, वादा किया है ना मैंने तुमसे, मैं कियारा को अपने साथ वापस ले आऊंगा। बहुत बड़ी गलती की है आपने, ऐसा ना हो कि उसकी सजा हमारी कियारा को मिले। मैंने कहा ना तुमसे,
मैं ले आऊंगा अपने साथ कियारा को, कुछ नहीं होने दूंगा कियारा को, आई प्रॉमिस यू। अभी प्राइज मनी सुनते ही कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। कॉल्स तो आ रहे हैं पर कोई भी जेन्युइन नहीं लग रहा है। पैसे के लालच में लोग उल्टी सीधी खबर दे रहे हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी कियारा को किडनैप होते हुए देखा है। कैसे पता चलेगा कियारा के बारे में? कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है यार? किस हाल में होगी कियारा यार? अब कियारा के बारे में हमें किडनैपर्स ही बताएगा। वो क्यों बताएंगे? वो तो किडनैपर्स के लिए काम करते हैं ना। हाँ, लेकिन वो लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं ना। जो पैसे मिलेंगे वो 3 करोड़ लोग आपस में बांट देंगे। लेकिन ये सोचा आशीष, अगर उनमें से किसी एक को 6 करोड़ रुपए मिले तो मैं प्राइस मनी डबल कर दूंगा। शायद इससे उनका ग्रुप टूट जाए। उनमें से कोई तो एक लालची होगा ना जो हमें कियारा की इंफॉर्मेशन दे। हमें यही करना होगा। I will double it, man. आधे कैमरा रोले। यस सर। अभी तक मुझे मेरी बेटी कियारा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए मैं आपके आपके चैनल के थ्रू पूरी दिल्ली और पूरे इंडिया के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पहले मैंने कहा था कि कोई भी अगर मेरी बेटी के बारे में या किडनैपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो मैं उसे 3 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने भी मुझे कियारा या किडनैपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी ना तो मैं अमाउंट डबल करने को तैयार हूँ। मैं उसे 6 करोड़ रुपए दूंगा। बस एक बार कोई मुझे तो आपको क्या लगता है सर? ये तो बहुत गलत किया इसने। किडनैपर को पैसे ना देते, इससे तो और गुस्सा हो जाएगा। और भी रास्ता है। बच्चे को खतरे में डाल के बच्चे वापस आएंगे क्या? सब गलत कर रहे। अभी किडनैपर को जाके पैसे देने से इतने अभी किडनैपर को पकड़ने के लिए लोगों को पैसे देने के लिए तैयार होते हो। क्यों हो गया? किडनैपर को गुस्सा आ गया क्या? रुक क्या कर? अभिषेक मेरा डैमन यू। मुझे सुना? हेलो। हाँ मामा, तुम्हें सुनना चाहिए कि डैडी पागल हो चुके हैं। क्या किया अभी? हमें पैसे नहीं दिए। इनफैक्ट तुमने मेरे पैसे उस आदमी को देने का वादा किया है जो तुम्हें मेरी इंफॉर्मेशन देगा। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? बेटी से अभी प्यार नहीं करते क्या तुम? अपने पैरों पे नहीं। अपने बेटी के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है तुमने अभिषेक? कैसे? कैसे किस्म के बाप हो तुम? मैं किस तरह का बाप हूं ये तुझे पता नहीं? अभी तक तो अभिषेक प्रेम मेहरा से बात कर रहा था, लेकिन अब तो उस बाप से बात कर रहे जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, समझा? अगर अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो तो मुझे मेरे पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? मीडिया में क्यों गए? मेरे नाम का इनाम क्यों रखा तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि कोई सच में आके तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन देगा? मिस्टर अभिषेक, मेरा कोई नहीं आने वाला। क्योंकि कोई मुझे जानता ही नहीं है। कोई मुझे जानता ही नहीं है तो तुम्हें कैसे बताएगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी बेटी को कहाँ लेकर आया? हाँ, मैं नहीं जानता तू कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ कि तू किडनैपर नहीं, तू फेक किडनैपर है। फेक किडनैपिंग की है तूने कियारा की? तेरे पास कियारा है ही नहीं। कियारा है मेरे पास। अगर तेरे पास कियारा होती ना तो पैसों के बदले में तू मुझे कियारा वापस दे देता। कोई एड्रेस नहीं, और जिस आदमी को तूने पैसे लेने के लिए भेजा था उसे कियारा क्या? कियारा के एड्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं जानता हूँ कि कियारा तेरे पास नहीं है, तो सिर्फ ब्लफ कर रहा है ना? हे, लेकर आओ उसे, लेकर आओ। ये ले, बात कर। डैडी,
केरा, केरा कैसी हो तुम? केरा डैडी मुझे घर से छुड़ाओ, डैडी मुझे बहुत डर लगता है, डैडी मुझे घर जाना है। केरा डैडी मम्मा से बात कर रहा हूँ डैडी। बेटा कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, आप डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। डैडी मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। छोड़ डैडी, केरा कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ रहा हूँ। केरा डैडी जिंदा है। हमने रिकॉर्डिंग को फिर से सुना, हमने सुना कि गोली लगने के बाद कियारा की कोई आवाज नहीं आई। जब किसी को गोली लगती है तो वो चिल्लाता जरूर है, हाँ मेटल से गोली के टकराने की आवाज है, मतलब वो गोली कियारा को नहीं मेटल को लगी। किडनैपर का निशाना इतना खराब नहीं हो सकता कि वो निशाना कियारा को लगा रहा हो और गोली कहीं और चल जाए। I'm sure कि उसने ये सब आप लोगों को डराने के लिए किया है। Relax, कियारा ठीक है। लेकर जाओ इसे, एक बार पैसे मिल जाएंगे फिर मारूंगा इसे। मैं कियारा को पैसा वापस ले आऊंगा, मैं प्राइस मनी डबल कर दूंगा, शायद इससे उनका ग्रुप टूट जाए। इनमें से कोई तो एक लालची होगा ना जो हमें कियारा की इंफॉर्मेशन दे। कियारा को किसी ने किडनैप, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे वापस लाने के लिए। प्रज्ञा प्रज्ञा, लेकिन कियारा ऐसे वापस नहीं आ सकती। मैंने अभिषेक को टीवी पर अनाउंसमेंट करते हुए सुना है, वो जो कर रहा है उससे कियारा वापस नहीं आने वाली। आई थिंक यू शुड जस्ट गिव द मनी। लेकिन उनका मानना है कि ऐसे देख कर किडनैपर्स कियारा को सिट 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 प्लीज डोंट क्राई। अगर तुम्हें लगता है अभिषेक जो कर रहा है वो ठीक है तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर मैं अभिषेक की जगह पर होता तो मैं सारे पैसे दे देता प्रिंसेस को लाने के लिए। भाई से आप दे देते? What do you mean, तुम्हें कोई शक है? आप प्लीज मुझे वो पैसे दे दीजिए, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं कि मैं किडनैपर को दे सकूं, लेकिन मैं आपको सारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। ऑफ कोर्स मैं पैसे दूंगा, कियारा सिर्फ तुम्हारी बेटी, वो मेरी भी बेटी है प्रज्ञा। नो अमाउंट मैटर्स, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में भी आ रहा है? जीजू ने क्लियरली बताया है कि ऐसे पैसे दे देने से कियारा की सेफ्टी दांव पर लग सकती है। पैसे दे देने से भी शायद वो किडनैपर कियारा को वापस नहीं देगा। यही तो हम सोच रहे कि अगर हमने पैसे दे दिए तो शायद किडनैपर कियारा को छोड़ दे, अदरवाइज देयर इज नो चांस। ये जो कह रही है सही तो कह रही है। आप इमोशनल है, आप थोड़ा सेंसिबली सोचिए ना। इमोशनली वो सही और गलत का फर्क नहीं समझ पा रही है, गलत चीज में उनका प्लीज साथ मत दीजिए। वो गलत चीज का साथ नहीं दे रहे दिशा, तुम नहीं समझ रही हो। कियारा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कियारा ने पहली बार उनकी गोद में आपकी खोली थी, इनका हाथ पकड़ के चलना सीखी है वो। मुझे जितनी चिंता है ना कियारा की, उन्हें भी उतनी चिंता है। आप प्लीज दिशा, दिशा वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना कियारा की भलाई के लिए कर रहे हैं, प्लीज मेरी बात मानो। वो तुम जानती नहीं हो कियारा कैसे लोगों के साथ है, वो रो रही होगी कि पता नहीं क्या बोलेगी, उन लोगों को गुस्सा आ गया अगर कियारा को कुछ कर। डोंट क्राई, हे हे डोंट क्राई, मैं जल्दी पैसे लेके आऊंगा, डोंट क्राई, ख्याल रखो। दिशा अगर
अगर तुमने कभी भी मुझे अपनी बहन माना तो किसी से कुछ नहीं कहोगी। वादा करो तुम नहीं कहोगे। मैं बुला रही हूँ दिशा, प्लीज रिलैक्स। मैं बुला रही हूँ, मैं फोन कर रही हूँ।